बी एंड बी एस सी पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप की मिट्टी। यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं मृदा या मिट्टी किसे कहा जाता है। तो मृदा या मिट्टी धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत होती है जिसका निर्माण मूल चट्टान तथा ह्यूमस के योग से होता है। मिट्टी या मृदा धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ यानी संगठित नहीं होते असंगठित जिनका निर्माण किसके कारण से होगा अपक्षय तथा अपरदन की क्रिया के कारण से होता है। तो मृदा या मिट्टी धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत होती है जिसका निर्माण मूल चट्टान तथा ह्यूमस के योग से होता है। इसको क्या कहा जाता है मिट्टी कहा जाता है। मूल चट्टान के हमेशा मिट्टी में गुण पाए जाते हैं। मूल चट्टान का मतलब होता है जिस चट्टान से मिट्टी का निर्माण होता है वो चट्टान क्या कहलाती है मूल चट्टान। और ह्यूमस भी किसको लेते हैं वनस्पति के अंश को लिया जाता है प्लस जीव जंतुओं के अंशों को लिया जाता है जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है मिट्टी का निर्माण होता है। जो मूल चट्टान होती है उसमें दो प्रकार की क्रिया होती है एक अपक्षय की क्रिया होती है और दूसरी अपरदन की क्रिया होती है। अपक्षय तो किसे कहा जाता है चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है और जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं वो एक स्थान से उठकर या बहकर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है अपरदन कहा जाता है। अपक्षय के कारण से चट्टान के टुकड़े टूट रहे हैं और अपरदन के कारण से इनका क्या हो रहा है परिवहन हो रहा है और जब ये अपरदन के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अपकर्षण की क्रिया होती है और सन्निकर्षण की क्रिया होती है। जब इनमें अपकर्षण और सन्निकर्षण की क्रिया होती है तो ये कण आकार में छोटे होते जाते हैं और जैसे जैसे ये वाले कण आकार में छोटे होते जाते हैं किसका निर्माण हो जाता है मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो मिट्टी क्या है धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत होती है जिसका निर्माण मूल चट्टान तथा ह्यूमस के योग से होता है मृदा या मिट्टी कहलाती है। अब अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप की मिट्टियों के प्रकार। एक नंबर सबसे पहला आता है टुंड्रा मिट्टी। टुंड्रा मिट्टी की बात करें तो ये वाली मिट्टी एशिया महाद्वीप के टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश का मतलब होगा एशिया महाद्वीप के उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ऊपर वाला ये वाला जो भाग आ जाएगा इस भाग में कौन सी मिट्टियां पाई जाती है टुंड्रा मिट्टी पाई जाती है। ये वाली मिट्टी कहां से कहां तक पाई जाती है बेरिंग सागर से लेकर यूराल पर्वत के मध्य पाई जाती है। कहां से कहां तक है बेरिंग सागर से लेकर यूराल पर्वत के मध्य कौन सी मिट्टी पाई जाती है टुंड्रा मिट्टी पाई जाती है। इसमें लोह की मात्रा तो पाई जाती है लेकिन वनस्पति अंश होते हैं उनकी क्या पाई जाती है कमी पाई जाती है। और इस चित्र का अध्ययन करें तो यहां पर जलवायु कैसी होती है प्रतिकूल होती है और प्रतिकूल जलवायु होने के कारण से कृषि अयोग्य मिट्टी होती है।
इस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन करें तो इस मिट्टी का जो आर्थिक महत्व है वो क्या पाया जाता है, कमी पाया। टुंड्रा मिट्टी जो कि एशिया महाद्वीप के टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है, हिमाचादित क्षेत्रों में पाई जाती है, बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्ष पर्यंत यहां पर तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहता है और तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहने के कारण से इस क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहां पर कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं नहीं पाई जाती है। और कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं नहीं होने के कारण इस प्रदेश में या इस मिट्टी पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा अंश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लेकिन जलवायु प्रतिकूल होने के कारण से वनस्पतिगत पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। और जब वनस्पतिगत पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तो इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। और ह्यूमस की मात्रा कम होने के कारण से ये वाली मिट्टियां कम ही उपजाऊ होती है, अर्थात उपजाऊ नहीं पाई जाती। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे नंबर की। इस मिट्टी की बात करें तो ये वाली मिट्टी साइबेरिया के कोणधारी वनों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्थात अपन कहेंगे टेगा क्षेत्रों में पाई जाती है। टुंड्रा क्षेत्रों में तो बर्फ गिरती है, उससे थोड़ा सा हटके जो क्षेत्र आ जाएंगे जहां पर थोड़ा सा तापमान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है और ठंड थोड़ी सी कम पाई जाती है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है ये वाली मिट्टी। उत्तरी चीन में पाई जाती है, उत्तरी कोरिया में पाई जाती है और उत्तरी जापान में पाई जाती है। ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं ये एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैले हुए हैं। इस मिट्टी में लोहा भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है और पोटाश ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लोहा भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, पोटाश भी पाया जाता है। इसमें वनस्पतिगत अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और वनस्पतिगत अंश होने के कारण से ये वाली मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः कृषि कार्य अधिक किया। इस मिट्टी का जो रंग होता है वो रागी समान होता है। पोडजोली मिट्टी की बात करें तो पोडजोली मिट्टी जो कि साइबेरिया के कोणधारी वन क्षेत्रों में पाई जाती है। कोणधारी वन क्षेत्रों से मतलब होता है जिन क्षेत्रों में बर्फ तो गिरती है लेकिन थोड़ी कम गिरती है। अतः जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के जो आगे वाले भाग हैं वो सुई की नोक के समान हो जाते हैं और उनका जो भाग होता है वो इस प्रकार पाया जाता है, अर्थात कोण के समान होते हैं। ये वाले उत्तरी चीन में पाए जाते हैं, उत्तरी कोरिया में पाए जाते हैं
और उत्तरी जापान में पाए जाते हैं। इसी मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी में लोहा पदार्थ, चूना पदार्थ और पोटास ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पोर्जोल मिट्टी में लोहे अंश की मात्रा भी पाई जाती है, चूने अंश की मात्रा भी पाई जाती है और पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, जो कि फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस मिट्टी में वनस्पति अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जिस मिट्टी में वनस्पतिगत अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उस मिट्टी में ह्यूमस की क्रिया सबसे अधिक होती है और जहां पर ह्यूमस की क्रिया सबसे अधिक होगी इसका मतलब सीधी सी बात स्पष्ट है वो मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। और अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो कृषि की दृष्टि से ये वाली सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जिसमें कृषि कार्य अधिक किया जाता है। इस मिट्टी का जो रंग होता है वो रात के समान दूसरा रंग पाया जाता है। कैसा होता है? रात के समान रंग पाया जाता है। तो ये तो थी पोर्जोल। तीसरी बात करते हैं काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी की बात करें तो ये वाली मिट्टी पश्चिमी साइबेरिया दक्कन के पठारी क्षेत्र और मंचूरिया भी पाई जाती है। काली मिट्टी जो कि पश्चिमी साइबेरिया में दक्कन के पठारी क्षेत्रों में और मंचूरिया वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किसके कारण से होगा? ज्वालामुखी क्रिया के कारण से होगा। इस मिट्टी में जैसे जल देते हैं ये गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जैसे ये मिट्टी सूख जाती है, सूखने पर इस मिट्टी में क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी का रंग काला होता है और ये वाली मिट्टी कपास की कृषि हेतु महत्वपूर्ण होती है, अतः इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास की मिट्टी भी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये वाली मिट्टी सबसे अधिक साइबेरिया रूस क्षेत्र में पाई जाती है और वहां पर इसका अध्ययन करें तो इस मिट्टी को वहां पर चर्नोजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चर्नोजम के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में वनस्पति अंश की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। वनस्पति अंश के साथ में इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है। नाइट्रोजन भी अधिक मात्रा में होगा और चूना भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पश्चिमी साइबेरिया में पाई जाती है, दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है और मंचूरिया में पाई जाती है। अर्थात इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया के कारण से हुआ है और ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो धरातल के नीचे वाले भाग से लावा पदार्थ बाहर निकलता है और जैसे ऊपर आता है लावा जम जाता है,
उस लावा में जब अपक्षय तथा अपरदन की क्रिया होती है तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात इस मिट्टी का निर्माण किसके कारण से हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया के कारण से हुआ है। इस मिट्टी की एक मुख्य विशेषता पाई जाती है। मुख्य विशेषता क्या होती है? जैसे इस मिट्टी को जल देते हैं या अत्यधिक वर्षा होती है या सिंचाई करते हैं, ये वाली मिट्टी गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। लेकिन जैसे ये मिट्टी सूखती है, सूखने के बाद इसमें क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। काली मिट्टी जैसे इसको जल देते हैं, जल धारण क्षमता भी अधिक पाई जाती है, तो जल देने पर ये वाली मिट्टी गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, लेकिन सूखने के बाद इस मिट्टी में क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। इसके बाद में आता है इसका रंग कैसा पाया जाता है? काला होता है। कुछ क्षेत्रों में ये वाली मिट्टी भूरी भी होती है। कपास की कृषि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी होने के कारण से इस मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की कृषि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी होने के कारण से इस मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये वाली मिट्टी साइबेरिया, रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात एशिया का जो रूस वाला भाग है, एशियाई रूस है, उसको साइबेरिया के नाम से जाना जाता है और वहां पर इसको चर्नोजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? चर्नोजम के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में वनस्पति अंश भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन भी पाया जाता है और चूना पत्थर भी पाया जाता है। इसके बाद में आती है चेस्टनट मिट्टी। तीन हो गए, चौथा आता है चेस्टनट मिट्टी। एशिया वाले क्षेत्र की बात करें तो वहां पर इस मिट्टी को काप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली मिट्टी पश्चिमी एशिया में पाई जाती है, साइबेरिया में पाई जाती है, स्टेपी घास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसके साथ में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। चेस्टनट मिट्टी जो कि पश्चिमी साइबेरिया में पाई जाती है, पश्चिमी एशिया में पाई जाती है, साइबेरिया में पाई जाती है, स्टेपी घास के मैदान है और उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये वाली विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी में वनस्पति अंश भी पाए जाते हैं, पोटाश भी पाए जाते हैं और नमक की मात्रा भी पाई जाती है। और नमक कहां से आता है? समुद्री क्षेत्र से उठकर आता है। इस मिट्टी का जो रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए कत्थई होता है। इस मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी पाई जाती है और ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण से ये वाली मिट्टी क्या होती है? सबसे अधिक उपजाऊ होती है। और इसी कारण से इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चेस्टनट मिट्टी जिसको काप मिट्टी भी कहा जाता है, पश्चिमी एशिया, साइबेरिया, स्टेपी और उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। और उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अपन सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र को लेते हैं।
सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है या उत्तर का विशाल मैदान है जो कि भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। ये वाली मिट्टी उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई काप मिट्टी से होता है। जब नदियां अपने साथ अपक्षय तथा अपरदन की क्रिया करती है, मिट्टी को लेकर आती है, उस मिट्टी में वनस्पतिगत अंश भी आ जाते हैं। और जब इस मिट्टी में वनस्पतिगत अंश आ जाते हैं, वनस्पतिगत पदार्थ आ जाते हैं, तो ये वाली मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में ह्यूमस की क्रिया क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ये विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें वनस्पतिगत अंश, पोटाश और नमक की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का पीलापन लिए हुए कैसा होता है? कत्थई रंग होता है, काला और लाल के बीच का होता है। और इसमें ह्यूमस की क्रिया अधिक होती है, और इसी कारण से इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।